हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल फूड विद वैशाली भटनागर। आज मैं आप सबकी पसंद की चीज बनाने वाली हूँ जो आप सबने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो वो है लज़ानिया। आज मैं लज़ानिया बनाऊंगी और चलिए देखते हैं कैसे बनता है लज़ानिया। लज़ानिया के लिए बनाएंगे सबसे पहले व्हाइट सॉस। उसके लिए मैंने पैन गरम करने रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होगा, उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून बटर। अगर आपने मेरी पहले की रेसिपीज देखी होंगी तो उसमें जरूर देखा होगा कि मैं बटर के साथ ऑयल जरूर डालती हूँ, क्योंकि इससे बटर बर्न नहीं होता। जैसे ही बटर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। ये 2 टेबलस्पून मैदा बटर में हम इसे अच्छे से चला लेंगे, सेकना है इसे हमें। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसकी फ्लेम बिल्कुल हल्की रखेंगे। अब ये देखिए, इसमें बबल्स इस तरह से बन रहे हैं, इसका मतलब है मैदा सिक गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध और ये लगातार हम चलाएंगे। अभी इसमें गठाने नहीं पड़े। अब हम इसमें 1 कप और दूध ऐड करेंगे। टोटल 2 कप दूध लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट स्वादानुसार, 1 टीस्पून ऑर्गेनो, 1/2 टीस्पून नटमेग पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लज़ानिया के व्हाइट सॉस में। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत लंपी हो जाएगा, थिक हो जाएगा। व्हाइट सॉस बनके अब बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं डालूंगी चीज, ये प्रोसेस्ड चीज है। ये चीज बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सारे हर्ब्स की। ये सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा, व्हाइट सॉस एब्सोल्युटली रेडी। अब हम बनाएंगे रेड सॉस। इसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है गर्म होने। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने पैन गर्म होने रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 टीस्पून ग्रीन चिली, 1 chopped onion,
2 teaspoons chili flakes, 1 teaspoon oregano, 1.5 teaspoon black pepper powder, 1 teaspoon red chili powder. Five medium-sized tomatoes ki tomato puree. We're adding the salt according to taste. इसको हम ढक के कुक कर लेंगे. रेड सॉस बन के बिल्कुल तैयार है. ये बहुत थिक नहीं होता, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रहती है. लज़ानिया के लिए अब हम बनाएंगे स्टर फ्राई वेजी. इसके लिए मैंने एक पैन गरम किया है. अब उसमें डालूंगी मैं 2-3 टेबलस्पून ऑयल. जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं डालूंगी 4-5 कलियां लहसुन की फाइनली चॉप, ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा सौते कर लेंगे. गार्लिक और चिली सौते हो गई है. इसमें मैं अब मैं डालूंगी चॉप्ड कैरेट्स, फ्रेंच बीन, येलो ब्लैक पेपर, ग्रीन ब्लैक पेपर, रेड पेपर. अब लास्ट में डालूंगी मैं चॉप्ड मशरूम्स और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. इसमें अब हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स. वो बॉईल करेंगे. पानी में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल ताकि लज़ानिया शीट्स चिपकेंगे भी नहीं आता है. और थोड़ा सा अब ये पानी एकदम बॉईल हो गया है, इसमें हम शीट्स डालेंगे. थोड़ी थोड़ी करके लॉक्स में डालेंगे बॉईल करने के लिए. कुक हो चुकी है. ये बहुत सॉफ्ट बॉईल नहीं करनी है क्योंकि ये अवन के अंदर जब बेक होंगी तब और भी कुक होंगी. हम इनको एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे. हम इसमें प्लेट में रखते जाते हैं और थोड़ा सा ऑयल ब्रश करते जाते हैं ताकि ये चिपकेंगी नहीं एक दूसरे से. और इस तरह से हम निकाल के रख देंगे. और इसके इमिडिएटली बाद हम हमारा लज़ानिया लेयर करने लग जाएंगे. लज़ानिया लेयर करने की सारी तैयारी हो चुकी है. पास्ता शीट्स बॉईल कर ली हैं, वेजीज रेडी हैं, चीज़ी वाइट सॉस भी रेडी है, रेड सॉस और चीज़. तो चलिए लेयर करते हैं लज़ानिया. लज़ानिया लेयर करने के लिए एक ओवन प्रूफ ट्रे ले लीजिए जिसमें आप बेक और सर्व करेंगे. फर्स्ट लेयर हम लगाएंगे टोमेटो सॉस की जो हमने बनाई है, उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए.
और नेक्स्ट लेयर है हमारे पास्ता की, लज़ाने शीट्स की। उसके ऊपर हम फिर से लेयर करेंगे टोमेटो सॉस अच्छी तरह से स्प्रेड करते हुए। फिर हम उसके ऊपर लगाएंगे चीज़ी वाइट सॉस जो हमने बनाया है, और उसे भी अच्छी तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर स्प्रेड करना है। फिर उसके ऊपर लेयर है वेजिटेबल्स की, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स जो हमने बनाए हैं, उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करते हुए उसके ऊपर हम ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। ये चीज़ प्रोसेस चीज़ लिया है मैंने। फिर उसके ऊपर लगाएंगे हम पास्ता शीट्स, और इसी तरह से सारी लेयर्स आपको ट्रे में सेट कर लेनी है। जब सारी लेयर्स ट्रे में सेट हो जाएं, तो ऊपर ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालना है। चीज़ आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं, और इसे 200 डिग्री सेल्सियस ओवन में बेक करना है 20 टू 30 मिनट्स के लिए। लज़ाने बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए गार्लिक ब्रेड या गार्लिक टोस्ट के साथ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।